गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम है आपका पी वी आर स्टडी पे। स्वागत करते हैं हम आपके हमारे चैनल पी वी आर स्टडी पे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमारी साइंस की क्लासेस चल रही थी, साइंस में हम बायोलॉजी का पोर्शन देख रहे थे जिसमें जॉलजी में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था। अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम पिछली क्लास में देख रहे थे, हमारा डाइजेशन इन स्टमक और डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में हम इंटर कर चुके थे, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के पार्ट्स को देख रहे थे। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की हम बेसिक चीज़ों के बारे में आपसे मेंशन कर चुके हैं। आज की वीडियो में, कल की वीडियो में हमने दो पार्ट्स के बारे में बताया था आपको। एक बताया था हमने लीवर्स नाम दिया था, एक था गाल ब्लैडर और एक था भाई पैंक्रियाज। तो ये कुछ ऑर्गन्स के नाम हम दिए थे। जनरली ये बॉडी में हमारी क्या होती है भाई, ये सारी दीज आर द ग्लैंड्स, सभी क्या होती हैं भाई, ग्लैंड्स होती हैं। एंड व्हाट इज़ द वर्क एंड फंक्शन ऑफ आवर बॉडीज, क्या काम होता है इन ग्लैंड्स का हमारे शरीर में, कौन से रोल एक्टिव करती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम वन करके देखेंगे सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीवर्स क्या होता है और इसका फंक्शंस क्या होता है, इसके काम क्या होते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और सभी लोग वीडियो को वॉच भी कर रहे होंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखेंगे वो आप नोट्स भी बनाते होंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग लीवर्स क्या होती है भाई, ये ग्लैंड्स है पहली बात। ठीक है, कैसी ग्लैंड्स होती है, पहला क्वेश्चन आएगा, इक्जोक्राइन ग्लैंड है। लीवर्स एक इक्जोक्राइन ग्लैंड्स है, पहला क्वेश्चन यही आएगा आपसे, लीवर्स किस टाइप्स की ग्लैंड है, इक्जोक्राइन या एंडोक्राइन, पहला पॉइंट हो गया आपका। यह है एक इक्जोक्राइन ग्लैंड्स होती है, मतलब बहिस्रावी, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसको। लीवर्स का नाम यकृत होता है हिंदी मीडियम वाले, और लीवर्स जो है एक क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक, दो पॉइंट हुआ। दूसरा चीज होता है, यह हमारे बॉडी का सबसे हैवीएस्ट और लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे लीवर्स के बारे में, क्या लिखेंगे, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे भारी ऑर्गन होता है लीवर्स। चीज़ें क्लियर हुई आपका, मतलब क्या होता है, वेट सबसे ज़्यादा इसी का होगा। ठीक है, वेट सबसे ज़्यादा इसी का होगा, हमारे बॉडीज़ में जितने भी ऑर्गन हैं सबसे ज़्यादा अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो लीवर्स जो है सबसे भारी होता। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसके लिए, सभी इंटरनल ग्लैंड्स में क्या होती है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। चीज़ें क्लियर में, लीवर्स हमारा जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी होता है। एक चीज़ ये हुआ आपका क्लियर, मतलब हमने लीवर्स के बारे में क्या बताया भाई, लीवर्स जो है सबसे भारी होता है, हैवीएस्ट होता है और लार्जेस्ट ऑर्गन भी होता है, प्लस ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी होती है। ठीक, ये बहिस्रावी ग्लैंड। वेट की बात कर लेते हैं, वेट कितना होता है इसका, वेट मीन्स होता है भार कितना होता भाई, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 kg। आप मोटी मोटा मान लें, अप्रॉक्सीमेटली टोटली इसका वेट कितना होता है, 1.5 किलो का, मतलब 1.5 kg। ठीक है, इसका वेट कितना होता है, 1.5 kg। इसीलिए इसको सबसे हैवी ऑर्गन माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसका भार जो है हमारे शरीर में जो भी चीज़ें हैं जैसे ब्रेन्स वगैरह जो भी होती हैं, सबसे जो है भारी किसका होता है, हमारे यहाँ वेट किसका होता है, लीवर्स का। ये चीज़ें मैं लीवर्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो लीवर्स से जो क्वेश्चन हमारे यहाँ बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। आपसे पूछ सकता है लीवर्स का भार कितना होता है, तो आपके अगर ऑप्शन में 1.5 से 1.7 के बीच में कोई भी आ जाए, अगर इस टाइप का ऑप्शन आएगा तब भी आप टिक करेंगे, या 1.5 आएगा तब भी आप टिक करेंगे। क्लियर, लीवर्स कैसी ग्लैंड्स होती है, बहिस्रावी ग्रंथ होती है, यानी ये क्या होती है, ये क्या होती है, इसमें डक्ट लगी होती है, यानी इसमें नलिका लगी होती है, ऐसा नहीं कि विदाउट नलिका विहीन। ठीक, चीज़ें क्लियर हुई।
आगे देखते हैं हम ये बहिस्राव ग्लैंड हैवीएस्ट तथा लार्जेस्ट, बड़ा और भारी क्या होता है हमारे शरीर का, बड़ा और भारी क्या होता है ये ऑर्गन होता, चीज़ें क्लियर हो। लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है सबसे बड़ी, हिंदी मीडियम वाले लिख लें इसको सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथ, ठीक है। जब हम आपको इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाएंगे तब आपको एक चीज़ ये भी दिखने को आएगी कि सबसे बड़ी ग्रंथ, ये भी आपका क्लियर हुआ। आगे आगे इसका वर्क क्या होता एंड फंक्शंस क्या होता, अब ये होता पहला वर्क एंड फंक्शन जानने से पहले हम क्या देखेंगे भाई, लीवर्स की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ लीवर्स, लीवर्स कैसा ऑर्गन होता है, किस चीज़ से बना होता है, ये सब चीज़ें हमें जानना जरूरी होता है यहाँ। तो पहला पॉइंट होता हमारा लीवर्स जो है यकृत जिसको कहते हैं, ये कैसा ऑर्गन है हमारा दोस्तों, मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर यानी टोटली मसल से बना है, मस्कुलर मस्कुलर ऑर्गन है, नॉट बोन्स इसमें नहीं है, बोन नॉट प्रेजेंट, ठीक बोन्स नॉट प्रेजेंट, ठीक। पहला पॉइंट हो गया मस्कुलर ऑर्गन होता। पॉइंट नंबर सेकंड होता है कैसा होता है भाई, लीवर्स का स्टडी जिसमें किया जाता है, अबाउट स्टडी ऑफ लीवर्स इज नोन एज द हिपैटोलॉजी, अबाउट स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज द हिपैटोलॉजी, लीवर्स की जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें लीवर की लीवर का अध्ययन किया जाता है उसको हिपैटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, अबाउट टू स्टडी, अबाउट टू स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज नोन एज हिपैटोलॉजी, मेरे यहाँ कलर्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, हिपैटोलॉजी हिपैटो हिपैटो एच हिपैटोलॉजी हिंदी मीडियम वाले हिपैटोलॉजी, मैंने क्या बताया भाई, मतलब लीवर्स की विज्ञान की वह शाखा जिसमें लीवर की स्टडी की जाती है उसको हिपैटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, क्लियर हुई यहाँ तक चीज़ें। आइए लीवर जो है किस लीवर्स में किस टाइप्स की सेल पाई जाती हैं, इसमें जनरली जो है हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं, हिपैटिक हिपैटिक सेल्स से बना हुआ ऑर्गन है, हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं, कैसी सेल्स, हिपैटिक हिपैटिक कोशिका, लीवर्स में कैसा कैसी सेल्स पाई जाती है, हिपैटिक सेल्स, ठीक। चीज़ें क्लियर हुई, लीवर्स की जिसमें स्टडी की जाती है उसको हिपैटोलॉजी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हिपैटिक नामक सेल्स पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट्स पे, एक चीज़ और देख जान लीजिए यहाँ, लीवर्स जो है कैसा ऑर्गन होता है भाई, रीजनरेशन की क्षमता, इसमें इसमें क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ रीजनरेशन, टेंडेंसी ऑफ रीजनरेशन, यानी पुनर्निर्माण की क्षमता, निर्माण की क्षमता, मैंने क्या बताया इस पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें, यानी इसमें टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, अगर हम अपने लीवर्स को क्या है बाइसेक्ट कर दें आधे आधे पर से ऐसे काट देंगे तो हमारा लीवर्स जो है, हम अगर एक लीवर को काटेंगे तो ऐसे ही हमको सेम टू सेम दूसरा दोनों लीवर एक लीवर बना के दिखा देंगे, ठीक। कहने का मतलब यह है हेपेटिक सेल्स होती हैं, इनकी एक खासियत होती है रीजनरेशन की क्षमता रहती है, यानी यह हमारा लीवर्स हुआ, पिक्चर्स हम दिखा दें, हम मुझे लगता है यहाँ तक आपको दिखेगा, ये हमारा लीवर्स कुछ इस टाइप्स का दिखता है ना, तो अगर हम इसको यहाँ से बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे बाइसेक्ट कर देंगे तो हमारा जो है दो लीवर इसी टाइप्स का, एक यहाँ छोटा सा बन जाएगा और एक यहाँ छोटा सा बन जाएगा, ठीक। ऐसे हमें दो लीवर्स देखने को मिलेंगे, समझ में आया, यानी इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, क्या, पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, ठीक है। ये हमारी बॉडीज में ऐसा एक क्या है नेचुरल ऑर्गन होता है
जिसमें क्या होता है रीजनरेशन की क्षमता होती है। कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसमें रीजनरेशन की क्षमता डेफिनेटली एकदम बिल्कुल ही नहीं हो सकती है, जैसे हमारा यहाँ किडनी, किडनी इज गुर्दा जिसको आप कहते हैं, एक ऐसा ऑर्गन अगर एक बार खराब हो गया तो फिर वो आदमी का लाइफ लेके ही जाता, ख़त्म कर देता। तो किडनी के बारे में आप लोग जान लीजिए जनरली इन्फॉर्मेशन। यहाँ किडनी से मैंने इसलिए तात्पर्य दिया, जब हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम आएगा तो हम किडनी के बारे में डिटेल्स में देखेंगे, ठीक, क्या फंक्शन होता है, कैसे संरचना होती है। अभी यहाँ हम ये जान लें लीवर्स कैसा ऑर्गन होता है, रीजनरेशन की क्षमता इसमें होती है, टेंडेंसी होती है। चीज़ें क्लियर हुई इसमें, बस इतनी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो चीज़ें मैंने नोट कराया है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, ये लीवर्स क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। कैसी ग्लैंड्स होती है, एग्जोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी बहिस्रावी ग्लैंड होती है। बहिस्रावी ग्लैंड्स के बारे में हमने क्या बताया भाई दोस्तों, ऐसी ग्रंथियाँ, ऐसी ग्लैंड्स जिसमें क्या होती है नलिका लगी होती है, ठीक है, नलिका लगी होती है, उन्हें क्या कहते हैं बहिस्रावी ग्लैंड। चीज़ें क्लियर हुई, आप लोग नोट कर सकते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें नलिका लगी होती है, उन्हें बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। चलिए चलिए आगे आते हैं अपने पॉइंट पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है आपको, ये हैवीएस्ट तथा लार्जेस्ट होता है, यानी सबसे भारी और बड़ा ऑर्गन होता है। कहाँ, हमारे शरीर का लीवर्स कैसा ऑर्गन होता है, बड़ा और भारी ऑर्गन होता है। चीज़ें क्लियर हुई। दूसरा होता है, एक पॉइंट और है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हमारे विच ग्लैंड्स ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ आवर बॉडीज, सबसे बड़ी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यहाँ जब अगर टोटल ग्रंथ्स के बारे में आ जाए, अगर उसने ये नहीं पूछा कि एग्जोक्राइन या इंडोक्राइन, तो आप लार्जेस्ट में ग्लैंड्स में लीवर्स को ही टिक करिएगा। बट अगर कभी उसने ऐसा पूछ लिया इंडोक्राइन के बारे में, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन सी इंडोक्राइन हमारे शरीर की सबसे बड़ी होती है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि हमारे शरीर की विच लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम होता है, ठीक दोस्तों, कमेंट जो मैं आंसर जो देता दीजिएगा, मैं देखता हूँ कि कितने मित्र को ये क्वेश्चन पता है। नहीं पता होगा फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है, कल की वीडियो में बता दूंगा, या फिर हम जब इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब बता दूंगा। आइए, ठीक है, अपने पॉइंट्स पे आते हैं। ये कैसा ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, इसमें मतलब बोन्स एकदम नहीं होती है। दूसरा क्या होता है भाई, इसमें मैंने क्या लिखा है, ये अबाउट टू स्टडी ऑफ लीवर्स इज नोन एज हेपेटोलॉजी, लीवर्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें लीवर का अध्ययन किया जाता है उसको हेपेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वाई, क्योंकि इसमें हेपेटिक सेल्स से बना हुआ था, टोटल जो हमारा लीवर है किससे बना होता है, हेपेटिक सेल्स से बना होता है। वेट की बात पूछ लें, अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वेट कितना होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 केजी से 1.7 केजी, आप एक पॉइंट मान के चलिए कि जनरली जो है 1.5 केजी ही माना जाता है। चीज़ें क्लियर हुई। रीजनरेशन की टेंडेंसी पाई जाती है, मतलब पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। इसका मतलब क्या होता है भाई, अगर हम अपने लीवर को बाइसेक्ट कर देते हैं आधे आधे पर से, तो हमारे बॉडीज़ में या हम कहीं भी उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम दो लीवर हमें मिल सकते हैं। चीज़ें क्लियर हुई। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं आपको, अब क्या वर्क होता है इसके बारे में देख लेते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा दोस्तों आपके लिए, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को आपको बता दिया जाता है, चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, बस मेरा मेन मोटो यही है। ज़्यादा ब्लेंदी और ज़्यादा भयंकर वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा, ऐसा मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम्स में फंस जाए, जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। अब आता भी है संरचना हो गई, अब काम क्या होता, कार्य क्या होता लीवर्स का, ठीक है, फंक्शंस क्या होता, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर्स, कार्य कह दो या फंक्शन, ठीक, तो क्या फंक्शंस होता है चलिए देख लेते हैं। ये हमारा लीवर हुआ, ओके, ये लीवर रहा, ये लगी ग्लैंड्स, ये हमारा गाल ब्लैडर हुआ, गाल ब्लैडर, ठीक, हिंदी में बोले लिखेंगे पित्त की थैली, पित्त की थैली, ये हमारा लीवर हुआ,
ठीक दोस्तों, ये लीवर हुआ, ठीक, ये लीवर्स बन गया हमारा। वर्क क्या होता है इसमें, हमारा क्या बनता है भाई, बाइल जूस बनता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है कौन, लीवर्स, जो कहां जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर कब जब ये बाइल जून का फॉर्मेशन करता है, तो जब एक्स्ट्रा बाइल जूस बन जाता है, तो ये बाइल जून हमारा कहाँ आके स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में, यानी पित्त की थैली में, ये यहाँ स्टोर होता है। बस इतना सा वर्क होता है। कैसा, गाल ब्लैडर्स का क्या काम होता है, ये पित्त्याशय को स्टोर करता है, यानी बाइल्स को स्टोर करता है। कैसा आर्गन होता है, बहुत ही छोटा आर्गन, मस्कुलर, एक थैली नुमा आर्गन्स होता है, जो हमारे लीवर से कनेक्टेड होता है। बस इतनी सी चीज़ें यहाँ जान लीजिए। इसका मेन वर्क यही पूछा जाएगा कि बाइल जूस किस में स्टोर होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए पित्ताशय, यानी पित्त की थैली, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा इसका छोटा सा काम होता है, और इसीलिए हमारे बॉडीज में पाया जाता है, स्टोर करने का, बाकी और कोई एक्स्ट्रा काम इसका नहीं होता, ठीक। यहाँ से भी डक्ट्स हमारे इंटेस्टाइन्स को ऐड होती हैं, बट जनरली हमारे यहाँ क्या होता है, यहीं से लगी होती हैं, लीवर से ही, लेकिन कभी कभी यहाँ स्टोर्स का ही काम होता है। चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक? तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, लीवर का एक ही काम होता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करना, ठीक। वो कहाँ जाते हैं बाइल जूस हमारे, कहाँ चले जाते हैं सारे बाइल जूस, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट से जाते हैं, हमने पहला पार्ट आपको बताया था डियोडिनम, डियोडिनम इससे अटैच होती है हमारी लीवर्स, यही पर हमारा जो है ये जाता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हुई आपको लीवर्स के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन थी सब मैंने लीवर्स की क्लियर कर दी, ठीक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।